नमस्ते फ्रेंड्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम 5 मिनट्स वाला मेकअप बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट से, जो कि टीनेजर्स कर सकते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स कर सकती हैं, न्यूली वेड्स कर सकते हैं एंड हाउसवाइफ्स तो कर ही सकती हैं। और एक सवाल जो कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आता है कि मेकअप को केकी होने से कैसे बचाएं, तो एक ट्रिक है जो कि मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो अभी मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। तो फ्रेंड्स, वो जो हैक है वो मेकअप के करते करते जो बीच की एक स्टेज आती है ना, जहाँ पे हम क्रैक होने से उसे या केकी होने से बचा सकते हैं, जो ब्लॉटीनेस आ जाती है, अनइवन मेकअप होता है, उससे बचा सकते हैं, तो वहाँ पर बताऊँगी मैं। तो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हुए हैं, क्योंकि अमेज़ॉन पे बहुत सारे डील्स एंड डिस्काउंट्स चलते ही रहते हैं। सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो डील्स डिस्काउंट्स उस टाइम चल रहे होंगे वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तो मैं हूँ लता सबरवाल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स, अगर यूजफुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे लैक्मे पीच मिल्क क्रीम। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है या विंटर्स है तो ये क्रीम लगाइए, और अगर नहीं है ड्राई या विंटर्स नहीं है तो मैं अभी आपको सनस्क्रीन दिखाऊंगी एक ऐसी जो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो ये है अयुगा की कुमकुमादी रेडियंट सनस्क्रीन, एंड व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज कि ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है एंड बिल्कुल नेचुरल है। अब मैं आपको दो फाउंडेशन बेस के ऑप्शंस देने वाली हूँ, और फाउंडेशन बेस तो नहीं है ये, बिकॉज ये है मामा अर्थ का हाइड्राग्लो सीसी सीरम है विच इज़ गुड फॉर स्किन, और ये है सीसी क्रीम लैक्मे की। मैं ब्रॉन्ज शेड यूज़ करती हूँ, दैट इज़ 03, और इसका भी 03 हनी यूज़ करती हूँ। तो इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर लीजिए, दोनों पॉकेट फ्रेंडली हैं, जो अच्छा लगे वो लगाइए। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ फिंगर्स से ही ब्लेंडिंग करूँ, बिकॉज फिंगर्स जो हैं हाइजीनिकली भी हमारी ब्रश से ज़्यादा साफ़ होती है एंड ईजी भी रहता है, फटाफट हो जाता है इससे मेकअप। एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मेकअप को ना बिल्कुल एक हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह कि ऐसे ही करना है मत कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। कोई एक आध स्टेप अगर आप अपने कन्वीनियंस के लिए आगे पीछे करना चाहें, माइनस करना चाहें, तो भी कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब ये जो स्टेप करने जा रही हूँ इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप को केकी होने से कैसे बचाएं, एंड दिस इज़ लव अर्थ का लिप चीक आई टिंट। आप चाहें तो पूरा मेकअप बस इससे ही फिनिश कर सकते हैं, दिस इज़ वन ऑप्शन, और अगर चाहिए तो जैसे कि हमें अलग अलग लिपस्टिक्स लगानी पसंद है तो लिपस्टिक्स भी लगा सकते हैं। बट आई जस्ट लव ये जो चीक्स पे थोड़ी थोड़ी शाइन आती है ना, आई जस्ट लव इट, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ हाईली कि आप लोग ज़रूर लगाइए, हल्का सा तो ज़रूर लगाइए। अब वो हैक आ गया फ्रेंड्स, विच इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, और अब ये स्टेज है, मतलब अभी इस पर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह, लूज पाउडर कुछ भी नहीं लगाया है। अब मैं ब्लू हेवन का प्रेप एंड फिक्स स्प्रे करने जा रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी अच्छा मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हैं एंड स्प्रे इट। ओके, तो मेकअप फिक्सर लगाने के बाद मैं एक मिनट तक रुकी हूँ, एंड उसके बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है, ड्राई है, वेट नहीं है, एंड उसके बाद ऐसे ऐसे करके हम डैप करेंगे। जब हम ऐसे डैप करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फाउंडेशन लगाया हुआ है या सीसी क्रीम, बीबी क्रीम, कुछ भी लगाया हुआ है, सारा चला जाएगा। बस ब्लश ऑन एरियाज पे मत कीजिएगा ऐसे, ताकि वो जो है पिंकिश टोन और शाइन रहे, एंड वील जस्ट ब्लेंड इट। बिलीव मी, दिस वर्क्स वंडर्स। और इसके बाद एक और ट्रिक बताऊंगी कि आप किस तरह से लूज पाउडर लगाएं कि घंटों तक मेकअप टिका रहे। बस इस तरह से ऐसे डैप करते रहेंगे हल्का हल्का। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा था ये आ गया है इस पर, और अब जो बाकी का मेकअप है वो अच्छे से सेट रहेगा। एक बार फिर से दो ऑप्शंस, अगर आपकी स्किन ड्राई है काफ़ी या विंटर्स हैं तो आप ये वाला ब्रश लीजिए लूज पाउडर लगाने के लिए, इससे बिल्कुल हल्का हल्का लगता है। और दूसरा ऑप्शन जो अभी मैं आपको करके दिखाने जा रही हूँ, जिससे लॉन्ग आवर्स तक हमारा मेकअप फिक्स रहता है, और मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला लूज पाउडर फिट मी मेबिलीन का, इसका नंबर 25 यूज़ कर रही हूँ, बहुत ईजिली अवेलेबल है, लिंक्स में एक बार फिर बता दूँ, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड ये 25 नंबर जो है ये मोस्टली हमारे सारे इंडियन स्किन टोन्स पे जाता है। अब इसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने लिया लूज पाउडर, सिंपल सा हैक है लेकिन बहुत वर्क करता है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट प्रेस इट, प्रेस करके लगाना है, याद रखिएगा कभी भी ऐसे रब नहीं करना है, रब करने से हमारा मेकअप ना निकलने लगता है, सो वी जस्ट प्रेस इट। आप सोच रहे होंगे 5 मिनट का तो है नहीं, ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपसे बातें कर रही हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस दे रही हूँ, चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, इसलिए अब मैंने उंगली पे हल्का सा लिया, थोड़ा थोड़ा जो है फिंगर से हम डैप कर देंगे, नहीं तो क्या है वो लाइंस बन जाती हैं, क्रीजेज आ जाती हैं आईलिड्स पे।
ब्लू हेवन का स्कल्प्ट एंड सेट, इससे काफ़ी जल्दी और बहुत नेचुरल तरीके से आईब्रोज बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये नेचुरल सा घर का लुक है या आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो बहुत हैवी लाइनर आपकी अगर चॉइस है तो ही लगाइए, बट आइडियली मैं बोलूँगी कि रोज़ रोज़ बहुत हैवी लाइनर मत लगाइए, क्योंकि फिर वो चार्म चला जाता है जब हम कभी पार्टीज़ के लिए रेडी होते हैं ना। और एक बात और है कि अगर हम लाइनर और काजल भी लगा लेते हैं बिल्कुल नेचुरल सा बेस करके, कुछ भी नहीं करते ना, तो भी बहुत अच्छा लुक आ जाता है। एंड आई एम यूजिंग लैक्मे शाइन लाइन क्योंकि काफ़ी अच्छा ब्लैक लुक देता है। मस्कारा हमेशा फ्रेंड्स वाटरप्रूफ ही लगाइए, इवन इफ़ यू आर एट होम। मेबेलिन कोलोसल मस्कारा मैं बहुत साल से यूज़ कर रही हूँ, इट्स क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली एंड वेरी नाइस। मुझे काजल के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट लगता है ये। अब आप अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या हल्का करना चाहते हैं तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं, बट सी द डिफरेंस, आई जस्ट लव काजल एक्चुअली। तो मैं लगा रही हूँ लैक्मे इंस्टाकूल, यस इंस्टाकूल आइकॉनिक। ये वही लिप चीक आई टिंट है। मैं दो ऑप्शंस आपको दिखाती हूँ, एक इसको लिप्स पे दिखा के जो फटाफट लग जाता है, एंड एक लिपस्टिक का भी। एंड बिलीव मी गाइज, यू कैन ईजिली डू दिस मेकअप इन 5 to 7 minutes, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, 5 मिनट में भी हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल कलर, एंड दिस इज़ मामा अर्थ सॉफ्ट मैट लिपस्टिक। एंड इसका मैंने एक शॉट भी किया था जिसमें पूरा हॉल दिखाया था लिपस्टिक्स का, वंडरफुल शेड्स एंड एब्सोल्युटली सेफ, इसलिए मुझे पसंद है। रोज़ लगाने के लिए फ्रेंड्स एब्सोल्युटली जो सेफ लिपस्टिक्स हो वही लगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इस कुर्ती का भी लिंक अपने हॉल का ऊपर अटैच कर दिया, आप देखिएगा एंड ट्राई कीजिएगा हैक, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।